नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद सिसोदिया और हम टॉपिक पढ़ रहे थे हरित लवक और कोशिकांग। तो कोशिकांग की संरचना के अंतर्गत हमने सबसे पहले हरित लवक की बात कर ली थी, लवक की बात कर ली थी, लवक के तीन प्रकार पढ़ लिए थे और जो सबसे महत्वपूर्ण भाग था हरित लवक, उसकी संरचना और कार्य का हमने वर्णन कर लिया था। संरचना के अंतर्गत हमने देखा था कि हरित लवक दो भागों में बंटा होता है, ग्रेना और स्ट्रोमा। इन दोनों भागों का हमने अध्ययन कर लिया। तत्पश्चात हमने उसका रासायनिक संगठन का भी अध्ययन कर लिया एवं हरित लवक के और लवक के कार्य का भी अध्ययन कर लिया। तो आज हमारा जो दूसरा कोशिकांग है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा टॉपिक था दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग दो ही होते हैं, पहला कोशिकांग था लवक और दूसरा जो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज की हमारे क्लास का टॉपिक होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो आइए शुरुआत करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी के अंदर हम सूत्रकणिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना होता है, माइटोस प्लस कॉन्ड्रियोन। देख लीजिए, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना होता है, माइटोस प्लस कॉन्ड्रियोन। माइटोस का अर्थ होता है थ्रेड, थ्रेड, और कॉन्ड्रियोन का अर्थ होता है ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स। थ्रेड का अर्थ होता है सूत्र या धागा और ग्रेन्यूल्स का अर्थ होता है कण या कणिका। अर्थात दोनों को मिक्स करने से नाम बनता है सूत्र कणिका। तो आगे आ आपको समझ में, वापस एक बार समझ लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना होता है, माइटोस प्लस कॉन्ड्रियोन। माइटोस का अर्थ होता है थ्रेड या धागा और कॉन्ड्रियोन का अर्थ होता है ग्रेन्यूल्स, जिसका अर्थ होता है कणिका, अर्थात सूत्र कणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द इससे मिलकर बना होता है। तो आइए, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का शक्तिग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हम प्रकाश डाल लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वह श्वसन के केंद्र होते हैं। क्या होता है, श्वसन का केंद्र होता है, अतः इसे शरीर का या कोशिका का ऊर्जा घर या बिजली घर भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऊर्जा घर या बिजली घर भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इसकी खोज के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं खोज के बारे में, या हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री में। आइए बात शुरुआत करते हैं हम हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं, वैज्ञानिक आए थे एक तो कोलिकर, पहले जो सेंटर साइंटिस्ट आए थे वो आए थे कोलिकर। कोलिकर ने क्या किया था, इनको कीट की पेशियों के अंदर खोजा, कीट की पेशियों में खोजा। ठीक है, तो में खोजा, ठीक है। तो कीट क्या, एक तरह से पादप है ये जंतु, जंतु। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जंतु कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने करी, कोलिकर ने करी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जंतु कोशिकाओं के अंदर खोजा। ठीक है, नंबर दो हम बात करते हैं मीविज की। वैसे तो अल्टमैन और उससे पहले आए थे, लेकिन चूंकि हम पादप कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने इनको पादप कोशिका के अंदर देखा, पादप कोशिका के अंदर खोजा। नंबर तीन हम बात कर लेते हैं फ्लेमिंग की। तीसरे साइंटिस्ट हो गए फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इनको खोजा, इनका अध्ययन किया तथा इनको फाइला नाम दिया। क्या नाम दिया, फाइला नाम दिया। फ्लेमिंग के बाद में चौथे वैज्ञानिक आए अल्टमैन। अल्टमैन ने इनको बायोब्लास्ट नाम दिया। क्या नाम दिया, बायो ब्लास्ट नाम दिया। उसके बाद पांचवे वैज्ञानिक आए बेंडा। बेंडा ने इसको सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो सवाल पूछ ले जाए, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो नाम किसने दिया माइटोकॉन्ड्रिया, नाम बेंडा ने दिया। इसके अलावा इन्होंने इसको कॉन्ड्रियोसोम भी कहा। क्या कहा, कॉन्ड्रियोसोम भी कहा। एक बार हम हिस्ट्री का वापस अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते कोलिकर था, कोलिकर ने सबसे पहले इनको कीट की पेशियों के अंदर देखा। तो कोई ट्रिक बता देते तो इनको याद करने सा, कहाँ से कोलिकर, कहाँ से कीट की पेशियों में, याद हो गया।
कोलिकर ने क्या किया, इनको कीट की पेशियों में खोजा। अब हम बात करते हैं पादप कोशिकाओं में खोज किसने करी, पादप कोशिकाओं में इनको मीविस नामक वैज्ञानिक ने देखा। फ्लेमिंग ने इनको इनका अध्ययन किया तथा इसको फाइला नाम दिया, एफ फॉर फ्लेमिंग एफ फॉर फाइला, ये भी आप एक ट्रिक बना सकते हो। इसी प्रकार अल्टमैन ने इनके बारे में अध्ययन किया और इसको नाम क्या दिया, बायोब्लास्ट दिया। तो फ्लेमिंग और अल्टमैन ने इनका विस्तृत अध्ययन किया, इसलिए इसकी खोज का जो श्रेय है इन दोनों वैज्ञानिक को सम्मिलित रूप से जाता है। फ्लेमिंग और अल्टमैन को माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय जाता है। उसके बाद में वैज्ञानिक आए थे बेंडा, बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया तथा इसको कॉन्ड्रियोसोम नाम से भी इसको बोला। तो बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया और कॉन्ड्रियोसोम नाम दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनों आप इसको कॉपी में उतार लीजिए। अब हम आगे बात कर लेते हैं, इस हिस्ट्री का हमने चर्चा कर ली, हिस्ट्री के बारे में आपको पूरा बता दिया गया। अब हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। दूसरा है इसका वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले भाग के अंदर हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर ली थी और जो दूसरा भाग है वह है डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण के बारे में बात कर लेते हैं। हरित लवक के बारे में भी हमने बात करी थी, उसके भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करी थी। उसके बारे में हमने बताया था कि यह कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरा हुआ रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरा हुआ रहता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह है कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, बिखरा रहता है। अब दूसरी बात, हमने हरित लवक के बारे में बात करी थी कि हरित लवक जो होता है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह पादप कोशिकाओं में भी पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं के अंदर भी पाया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह है पादप व जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो आगे बात समझ में, यह कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरा हुआ रहता है, इसके अलावा यह पादप कोशिकाओं में भी पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं के अंदर भी पाया जाता है। तीसरे पॉइंट की अब हम चर्चा कर लेते हैं, यह है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, आप बताइए उपस्थित या अनुपस्थित, हम इसकी पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, अब्सेंट होता है, अर्थात उसके अंदर अनुपस्थित होता है, चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। और जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, प्रेजेंट या उपस्थित होती है। यह एक मुख्य डिफरेंस हो गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। आप लोगों ने जब हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जब अंतर पढ़ा था, तब मैंने ये बताया था कि कुछ पादपों के या कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो अंदर की ओर अंतर्वलित हो जाती है, और अंतर्वलित होकर किसका निर्माण करती है, मीजोसोम का निर्माण करती है। तो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, अर्थात बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आते हैं, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ बैक्टीरियाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, अंतर्वलित होकर किसका निर्माण करती है, मीजोसोम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, मीजोसोम का निर्माण करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मीजोसोम जो पाया जाता है वह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के समजात होता है। पूर्णतः तो उसका समान तो नहीं होता है, बिल्कुल भी मतलब उसकी तरह तो नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक ऊर्जा का जो कार्य है, जो शोषण का जो कार्य है, वो इसके द्वारा संपन्न करवाया जा सकता है। तो हमने खोज पढ़ ली, उसके बाद हमने वितरण पढ़ लिया। वापस समझा देता हूँ वितरण के बारे में कि यह कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरा हुआ रहता है और यह पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं दोनों के अंदर पाया जाता है। इसी प्रकार यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, लेकिन जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, अंतर्वलित हो जाती है, जिसकी वजह से मीजोसोम उसके समजात संरचना बन जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो है ये सुविकसित प्रकार की माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। तो दो टॉपिक हो चुके हैं, अब हम तीसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर तीन, वितरण भी पढ़ लिया, खोज भी पढ़ ली, अब जो तीसरा पॉइंट है वह है आकार, अमाप और संख्या। जो तीसरा पॉइंट है अपने है
साइज शेप एंड नंबर, आमाप और संख्या, साइज शेप एंड नंबर। आकार के बारे में हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। सबसे बड़े कोशिकांग के बारे में हमने बात करी थी, हरित लवक था वह सबसे बड़ा कोशिकांग था, उसकी जो साइज थी 5 से 10 म्यू माइक्रोन थी। लेकिन इसकी जो साइज होती है वह कितनी होती है, 5 से 8 म्यू माइक्रोन होती है, अर्थात यह हरित लवक से आकार में छोटा होता है। तो हम ये कह सकते हैं यह है दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग पूछ ले तो आप क्या लिखोगे, सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वह होता है हरित लवक, और दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब हम इसकी व्यास के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसका जो व्यास होता है वह 0.5 से 1 म्यू माइक्रोन होता है। तो हाँ, यहाँ तक हमने इसके आकार की बात कर ली, ठीक है। आकार जो होता है वो 5 से 8 म्यू माइक्रोन होता है और जो व्यास होता है वह 0.5 से 1 म्यू माइक्रोन होता है। आकार के बाद हम इसके आमाप के बारे में या शेप के बारे में बात कर लेते हैं। तो छोटी कक्षाओं के आपने पढ़ा होगा इसकी जो आकृति होती है वो है जूते के समान होती है। तो लिख लीजिए इसका आमाप या जो आकृति होती है वह किसके समान होती है, वह जूते के समान होती है। जो सूज होता है जूते के समान होता है। तो आकार पढ़ लिया, आमाप पढ़ लिया, और उसके बाद अब हम संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब संख्या या नंबर की बात करते हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है एक कोशिका के अंदर, सामान्य एक कोशिका के अंदर इनकी जो संख्या होती है वह 50 से लेकर 5000 तक हो सकती है पर सेल, अर्थात एक सामान्य कोशिका के अंदर इनकी संख्या 50 से लेकर 5000 तक हो सकती है। एक सवाल है माइक्रोसिस्टिस, कौन सी माइक्रोसिस्टिस, इसकी एक कोशिका में केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया ही पाई जाती है। माइक्रोसिस्टिक नामक सवाल है उसकी एक कोशिका में केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं चेओस या कुछ इसको केओस भी पढ़ते हैं, चेओस नामक अमीबा की बात करते हैं। इसकी प्रत्येक कोशिका के अंदर इनकी संख्या कितनी हो सकती है, 500,000 तक इनकी संख्या होती है। तो जो इसकी संख्या के बारे में बात करते हैं, एक सामान्य कोशिका में इनकी संख्या 50 से लेकर 5000 तक हो सकती है। माइक्रोसिस्टिस में इसकी संख्या एक कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया ही उपस्थित होती है। इसी प्रकार चेओस नामक एक अमीबा की बात करते हैं तो उसकी प्रत्येक कोशिका के अंदर अमीबा की इसकी संख्या कितनी हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया की 500,000 तक हो सकती है। हम एक बात और कर सकते हैं कि ये ऊर्जा के केंद्र होते हैं, ATP प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो जो कोशिका जितनी वृद्ध होगी या पुरानी होगी, वृद्ध कोशिकाओं या पुरानी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो एक पॉइंट हम और लिख सकते हैं, पुरानी व वृद्ध कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। लेकिन एक युवा कोशिका के अंदर, युवा व तरुण कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। अर्थात जो युवा कोशिकाएं होगी उन कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होगी, और जब माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होगी तो वो अधिक मात्रा में ATP प्रोड्यूस करेगा, अधिक मात्रा में ऊर्जा को उत्पादन करेगा। तो ऊर्जा जब अधिक उत्पन्न होगी तो वह अधिक क्रियाशील होगा। तो जो पुरानी कोशिकाएं एवं वृद्ध कोशिकाएं होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, इसलिए वह कम क्रियाशील होती है, उनमें विभाजन की क्षमता भी कम पाई जाती है। लेकिन जो युवा व तरुण कोशिकाएं होती है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, इसलिए उनमें विभाजन की क्षमता भी अधिक पाई जाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसका आकार, आमाप, संख्या भी पढ़ ली, संख्या के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी, आमाप आपका बता दिया, इसके अलावा जो आकार था वो भी बता दिया, खोज के बारे में भी बात कर चुके हैं, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण के बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे तो इसका जो अगला टॉपिक होता है वह है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना,
लेकिन समय अवधि कम होने के कारण अभी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना इस क्लास में न होकर अपनी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर पूरा वीडियो बना के उसके अंदर बताया जाएगा। तो इसके जो आगे के टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना का टॉपिक होगा वह अपनी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें वो पूरा के पूरा माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य पर आधारित होगा। तो जो दूसरे छोटे मोटे टॉपिक हो गए, इसकी रासायनिक संरचना क्या होगी, अनुवांशिक स्वतंत्रता क्या होगी, इनमें इसकी हरित लवण की समानता और असमानता क्या होती है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो ठीक है, अगला हेडिंग लगाइए, अनुवांशिक स्वतंत्रता। माइटोकॉन्ड्रिया की आनुवंशिक स्वतंत्रता, देखिए मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पढ़ते हैं तो इसकी जो आंतरिक संरचना होती है वो कुछ हद तक हरित लवक से भी मिलती होती है। किस प्रकार से मिलती है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसके अंदर भी क्या होता है, सितरस प्रकार का क्या पाया जाता है, सितरस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। आगे बात समझ में, इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। तो इसके अंदर जो सितरस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं वे अपनी प्रोटीन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। उसमें भी जो हरित लवक की बात करें तो उसमें भी सितरस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी सितरस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। उसके अलावा जो दूसरी बात हम कर रहे थे, इसके अंदर स्वयं का आरएनए पाया जाता है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है। और तीसरा, इसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। डीएनए कौन सा पाया जाता है, डीएस सर्कुलर डीएनए। डीएस का अर्थ हो गया डबल स्ट्रैंड अर्थात द्विरज्जुकीय, सर्कुलर का अर्थ हो गया वृत्ताकार डीएनए। तो इसके अंदर दो सूत्र वाला वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, उपस्थित होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब खुद का डीएनए पाया जाता है तो उसके अंदर क्या होगी, प्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रतिकृति की क्षमता पाई जाती है। तो जब प्रतिकृति की क्षमता पाई जाती है तो ये अपना विभाजन स्वयं कर सकता है, विभाजन स्वयं कर सकता है, अर्थात इसको इसके लिए कोशिका की आवश्यकता नहीं होती। तो जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने बताया था कि हमने हरित लवक को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा था। क्यों कहा था, कि उसके अंदर खुद का सितरस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है इसलिए वह अपने प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। इसमें स्वयं का आरएनए पाया जाता है जो कि एक अनुवांशिक पदार्थ है। इसी प्रकार डीएनए भी पाया जाता है जो भी क्या होता है, एक प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ होता है जो कि डीएस सर्कुलर डीएनए होता है अथवा द्विरज्जुकीय वृत्ताकार डीएनए होता है जो अपनी प्रतिकृति का स्वयं निर्माण कर सकते हैं। प्रतिकृति मतलब अपने समान जो निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो ये अपनी स्व प्रतिकरण की क्षमता रखता है इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपने समान माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कर सकता है। जिस प्रकार हरित लवक अपने समान हरित लवक का निर्माण कर सकता है उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, वह अपने समान माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कर सकता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को भी क्या कहा गया है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, ठीक है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग के बारे में मैंने पिछले क्लास के अंदर भी बताया था, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों क्या होते हैं, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों क्या है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसको अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले टॉपिक शुरुआत करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन, चूंकि इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, ठीक है, जो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसके अंदर प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन जो होता है वह लगभग 65 से 70% मात्रा के अंदर पाया जाता है। इसके साथ ही हम फास्फोलिपिड की बात कर लेते हैं, जो फास्फोलिपिड होता है वह लगभग 25% मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आरएनए होता है वह लगभग 5% मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें डीएनए
राइबोसोम एंजाइम व अन्य तत्व, ये सभी क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के यदि रासायनिक संगठन की बात करें तो प्रोटीन उसमें 65 से लेकर 70% पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड की बात करें तो वह 25% पाया जाता है। आरएनए की बात करते हैं तो वह 5% पाया जाता है। डीएनए जैसे 0.03% मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो एंजाइम और जो अन्य छोटे छोटे तत्व होते हैं या राइबोसोम होते हैं वे बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया रासायनिक संगठन भी लिया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वह है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में समानताओं की बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में समानताएं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में क्या क्या समानताएं हो सकती है? पहली समानताएं हम लिख देते हैं कि दोनों क्या होते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। अगली बात समझ में आए, दोहरी झिल्ली कैसे, जो बाहर वाली होगी उसको क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, और जो भीतरी है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि हमने इसको क्या बोला था, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोला था। क्या बोला था? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अपने समान माइटोकॉन्ड्रिया या अपने समान हरित लवक का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। क्यों? इनके अंदर खुद का आरएनए पाया जाता है, खुद का राइबोसोम पाया जाता है और खुद का डीएनए पाया जाता है। तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण कर लेता है, स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण कर लेता है। इसी प्रकार इसके अंदर क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है जो कि एक अनुवांशिक या जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा इसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। कौन सा डीएनए? डीएस सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसके अंदर क्या होती है, प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है। तो इसके कारण ये अपने समान नई माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक का निर्माण क्या कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इनके अंदर क्या होती है, विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तो देखिए, आपने एक बहुत बड़ी बात नोटिस की होगी कि राइबोसोम खुद अपने आप में क्या है, एक कोशिकांग है। आगे बात समझ में, राइबोसोम खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिकांग है और हरित लवक भी कोशिकांग है। तो कोशिकांग के भीतर कोशिकांग पाया जाता है, दो ही ऐसे कोशिकांग है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और दूसरा हरित लवक हो गया। इन दो कोशिकांगों के अंदर ही राइबोसोम पाया जाता है, और कौन सा प्रकार का पाया जाता है, सिट्रस प्रकार का, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एक सिम्टम है। ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति एक समान हुई थी और पूर्व में यह एक बैक्टीरिया टाइप का या सूक्ष्म जीव प्रकार का जीव था, लेकिन समय के साथ परिवर्तित होते हुए यह एक कोशिकाओं का अंगक बन गया। तो बेटा, आज की क्लास यहां पे अपनी समाप्त होती है। आज की क्लास के अंदर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, उसके बाद में उसका वितरण, उसके बाद उसका साइज शेप नंबर, उसके बाद में उसकी अनुवांशिक स्वतंत्रता, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग और माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में जो समानताएं थी वह मैंने आपको बता दी। अगली क्लास जो होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज की क्लास के अंदर इसकी संरचना को समझाना संभव नहीं था। अगली क्लास जब भी होगी, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, उस समय आपको माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और उसके कार्यों को समझा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।